हाय देयर, आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की थीम नंबर 1 से लेकर थीम नंबर 6 तक करवाई जाएगी और आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे। ये वीडियो मिड टर्म की प्रिपरेशन के हिसाब से है, तो इसमें सबसे पहली थीम आपके सामने मौजूद है, थीम नंबर 1, जिसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग। सो मार्केटिंग के बारे में समझते हैं कि मार्केटिंग है क्या और मार्केटिंग का वर्ड कहाँ से आया है। मार्केटिंग का वर्ड आया है वर्ड मार्केट से, और मार्केट को एज अ नाउन और वर्ब दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है। सो मार्केटिंग असल में है क्या चीज़? नॉर्मली लोग एडवर्टाइजिंग या सेल्स को मार्केटिंग समझते हैं, जबकि मार्केटिंग के अंदर सेल्स या एडवर्टाइजिंग के अलावा और भी बहुत सी दूसरी चीज़ें शामिल हैं। सो मार्केटिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसके जरिए कंपनीज कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करती हैं और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करती हैं ताकि बदले में उनको जो है वो वैल्यू मिलती है। सो मार्केटिंग के अंदर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है कस्टमर के साथ। यहाँ पे वन टाइम सेल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। नॉर्मली हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं वो वन टाइम सेल करते हैं, सिर्फ उनकी सोच होती है कि कस्टमर को सिर्फ एक बार चीज़ बेच दी जाए, कस्टमर बार बार आए उनका ये कोई ख्याल नहीं होता। जबकि मार्केटिंग के अंदर ये होता है कि कस्टमर जो है वो उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड किया जाए, कस्टमर जो है वो बार बार जो है वो परचेज करने के लिए आए और ट्रस्ट भी करें। नाउ द नीड, नीड क्या है? एक ऐसी हालत जहाँ पर फेल्ट डेप्रिवेशन हो, यानी कि किसी चीज़ की कमी हो। जब भी किसी भी चीज़ की कमी होती है तो ही इंसान को ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर भूख लगी है तो जाहिर बात है खाने की उसको ज़रूरत है। वांट, वांट जो है वो ह्यूमन नीड, जब किसी खास चीज़ के बारे में ह्यूमन नीड होती है तो उसको वांट कहा जाता है। जब ह्यूमन नीड पे कल्चर का या फिर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का असर पड़ता है तो वो वांट की शक्ल इख्तियार कर लेती है। फॉर एग्जांपल, एक शख्स भूखा है लेकिन वो अपनी भूख को बर्गर के ज़रिए मिटाना चाहता है, तो वो जो है उसकी वांट हो गई। वो खास चीज़ के बारे में, भूख मिटाने के लिए कई सारी चीज़ें वो खा सकता है लेकिन वो बर्गर खाना चाह रहा है तो वो उसकी वांट हो गई। उसके बाद फिर डिमांड, डिमांड वांट से एक स्टेप और ऊपर है। अब जो वांट है वो है बर्गर खाने की, और बैक्ड बाय बाइंग पावर, यानी कि उसके पास पैसे भी मौजूद हैं कि वो बर्गर खरीद सकता है, तो वो उसकी डिमांड हो जाएगी। सो नाउ द वैल्यू, वैल्यू जाए वैल्यू क्या है? किसी इज समथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस की इम्पोर्टेंस वाली कोई चीज़ या फिर एक ऐसी चीज़ जो गैप को फिल करती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, उसको वैल्यू कहा जाता है। सो एक्सचेंज, एक्सचेंज क्या है? एक ऐसा अमल जिसके जरिए डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट को हासिल किया जाता है और बदले में कोई चीज़ रिटर्न जो है वो रिटर्न ऑफर की जाती है बदले में उसकी कोई चीज़। जैसे कि आप जो है वो एग्स खरीदते हैं, अंडे खरीदते हैं, अगर किसी दुकान पे जाके तो उससे अंडे लेते हैं आप, उसके बदले आप उसको पैसे देते हैं। नाउ द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन क्या होता है? ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे गुड सर्विस या पैसा जो है वो पास करता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। नाउ द मार्केट ऑफरिंग, मार्केट ऑफरिंग जो है वो कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट का, गुड्स का, सर्विस का, इन्फॉर्मेशन का या फिर एक्सपीरियंस का, जो कि ऑफर किया जाता है मार्केटिंग मार्केट में ताकि सेटिस्फाई किया जा सके कंज्यूमर की नीड्स या वांट को। उसके बाद है मार्केटिंग मिक्स, जो कि कॉम्बिनेशन है चार पीस का, फोर पीस का, जो कि टूल्स हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। उसके बाद आ जाता है फिर हमारे पास नेगेटिव डिमांड। अब नेगेटिव डिमांड क्या होती है? एक ऐसी डिमांड यानी कि जिसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो डिसलाइक्ड होती है। प्रोडक्ट को डिसलाइक करते हैं कौन? टारगेट कस्टमर इन जनरल, इन जनरल टारगेट कस्टमर जो है वो डिसलाइक करते हैं प्रोडक्ट को, उसको हम कहते हैं नेगेटिव डिमांड। नो डिमांड यानी कि कोई बिल्कुल भी डिमांड ना होना, कुछ प्रोडक्ट की बिल्कुल भी डिमांड नहीं होती क्योंकि कस्टमर जो है वो बाय नहीं करते उस प्रोडक्ट को। और ऐसा जनरली तौर पर स्टार्टअप फेस के अंदर होता है, जब स्टार्टअप फेस होता है वहाँ पे, और लोग जो है वो अवेयर नहीं होते प्रोडक्ट से। ऐसा भी होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता प्रोडक्ट के बारे में, तो डिमांड नहीं होती। उसके बाद आती है लेटेंट डिमांड, ये तब होती है जब डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती, पूरी नहीं हो पाती प्रोडक्ट से, जो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट है उनसे। उसके बाद आता है फिर डिक्लाइनिंग डिमांड। डिक्लाइनिंग डिमांड का मतलब ये होता है कि किसी भी रीज़न की वजह से प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो गिरना शुरू हो जाती है, और ऐसी केस के अंदर रीमार्केटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ द फुल और रेगुलर डिमांड, इसका मतलब होता है कि डिमांड जो होती है प्रोडक्ट की वो बराबर हो जाती है प्रोडक्शन कैपेसिटी के। उसके बाद आती है इररेगुलर डिमांड, इसका मतलब होता है कि डिमांड जो प्रोडक्ट की चेंज हो जाती है डिफरेंट टाइम पे, कभी बढ़ती है कभी ज़्यादा होती है, और ये जो सीजनल प्रोडक्ट्स के साथ होता है, जैसे कि एयर कंडीशनर है, फ़ैन है, स्वेटर है, जैकेट्स है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो इनकी इररेगुलर डिमांड होती है। जब सीज़न होगा डिमांड होगी, सीज़न नहीं होगा डिमांड बहुत कम होगी या बिल्कुल नहीं होगी। देन दी ओवरवेलमिंग डिमांड, अब ओवरवेलमिंग डिमांड तब होती है जब डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो एक्सीड कर जाती है प्रोडक्शन कैपेसिटी को। फिर है अनहोलसम डिमांड, ये एक ऐसी चीज़ों की प्रोडक्ट, ऐसी चीज़ों की डिमांड होती है जो कि नुकसान पहुँचाती है इंसान को, अनहेल्दी
किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे कि नारकोटिक्स है, ड्रग्स है, सिगरेट्स वगैरह है। नाउ दी मार्केटिंग फिलोसफीज, सो डिफरेंट मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट आए। आज के दौर का भी मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, इससे पहले कई सारे मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट गुजर चुके हैं। पहला, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था वो था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ये जब कॉन्सेप्ट था तो इसके मुताबिक कंज्यूमर जो है ऐसी प्रोडक्ट्स को प्रेफर करता है जो कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो और बहुत सस्ती अवेलेबल हो। सो जब इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कंपनीज प्रोडक्ट बनाती थी तो उनका फोकस होता था कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो, एफिशिएंटली प्रोडक्शन हो, लो कॉस्ट हो और मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि सारा फोकस प्रोडक्शन के ऊपर होता था। फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया, अब जो फोकस था वो प्रोडक्शन की जगह प्रोडक्ट के ऊपर हो गया। और इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कंज्यूमर ऐसी प्रोडक्ट्स को फेवर करेगा, पसंद करेगा, लाइक करेगा जिनके अंदर अच्छी क्वालिटी होगी, अच्छी परफॉर्मेंस होगी, इनोवेटिव फीचर्स होंगे। सो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का जो फोकस था वो था कंटिन्यूस प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट के ऊपर, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर फोकस था एंड इम्प्रूवमेंट और उसकी इम्प्रूवमेंट के ऊपर। अक्सर आपने इस तरह की बातें सुनी होंगी कि पहले की जो चीज़ें होती थी पहले के ज़माने की, वो काफ़ी मजबूत होती थी, रिलायबल होती थी। सो वो प्रोडक्ट्स असल में प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी होती थी, उनमें से ज़्यादातर प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी होती थी, इसी वजह से उनकी क्वालिटी वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी। फिर आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब सेलिंग कॉन्सेप्ट जब आया तो उसके मुताबिक लोग जो है वो ऐसी प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे जहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाए, लार्ज स्केल सेलिंग हो, प्रमोशन एफर्ट्स की जाए। तो जब सेलिंग कॉन्सेप्ट आया तो सारा फोकस जो है वो सेलिंग के ऊपर हो गया। देन दी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, अब जो है वो उसके बाद मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक मार्केटिंग तभी स्टार्ट हो जाती है जब कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे पहले कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर प्रोडक्ट उसकी नीड के मुताबिक बनाई जाती है, और फिर प्रोडक्ट को डिलीवर भी इस तरीके से किया जा सक जाता है कि कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई किया जा सके। सो मार्केटिंग का मकसद ही यही कि कंज्यूमर की नीड को आइडेंटिफाई करना, उसके मुताबिक प्रोडक्ट बनाना और इसी तरीके से डिलीवर करना कि उसकी नीड को सेटिस्फाई किया जा सके। उसके बाद फिर एक और कॉन्सेप्ट आया, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन को एक बैलेंस रखना है, कंज्यूमर को भी सेटिस्फाई करना है, प्रॉफिट भी अर्न करना है, और लॉन्ग टर्म वेलफेयर और सोसाइटी के बारे में भी कंपनी ने सोचना है। यानी कि सोसाइटी ऐसे कोई काम नहीं करना कि सोसाइटी को नुकसान पहुंचाए, जैसे कि पॉल्यूशन है। सो अपना प्रॉफिट भी कंपनी अर्न करे, कस्टमर को भी सेटिस्फाई करे, साथ में सोसाइटी के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को भी देखे। सो नाउ दी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक ओवरऑल प्रोसेस होता है जिसके अंदर बिल्ड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप कस्टमर के साथ, उनको डिलीवर करते हुए सुपीरियर कस्टमर वैल्यू और सेटिस्फेक्शन को। और आज के दौर में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं कंप्लीट जो कि मैनेज करते हैं कस्टमर रिलेशनशिप को। देन दी कस्टमर परसीव वैल्यू। सो कस्टमर परसीव वैल्यू यानी कि कस्टमर जो है वो क्या सोचता है एक्चुअली, ये है। सो जब कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, जाहिर बात है तो आप ना सिर्फ पैसे उसके लिए देते हैं बल्कि आप कुछ एफर्ट्स भी लगाते हैं, टाइम भी आपका लगता है, इन तमाम चीज़ें आप जो है जाहिर बात है प्रोडक्ट को खरीदने के अंदर लगाते हैं, लेकिन बदले में आपको जाहिर बात है कुछ बेनिफिट्स उससे मिल रहे होते हैं, इसलिए आप खरीदते हैं। अगर बेनिफिट्स और कॉस्ट जस्टिफाइड है या फिर बेनिफिट कॉस्ट के मुकाबले में ज़्यादा है तो ऐसे सिचुएशन के अंदर प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू वाली है। सो द एक्सटेंट टू विच जिस हद तक परसीव परफॉर्मेंस जो है वो मैच करती है बायर की एक्सपेक्टेशन को, उसको कहलाया जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नाउ द पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इट इन्वॉल्व वर्किंग क्लोजली, क्लोजली वर्क करना, इसमें शामिल है वर्क क्लोज करना पार्टनर्स के साथ दूसरी कंपनी के डिपार्टमेंट में या फिर आउटसाइड द कंपनी, टू ज्वाइंटली ब्रिंग ग्रेटर वैल्यू टू कस्टमर, ताकि मिलके जो है वो एक बड़ी वैल्यू लाई जाए कस्टमर के लिए। सो नाउ दी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। अब कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू भी कैलकुलेट की जाती है। मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग में लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप जब बिल्ड किया जाता है कस्टमर के साथ तो कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू भी कैलकुलेट की जाती है, कि यानी कि पूरी जिंदगी के अंदर कस्टमर एक कंपनी की जो प्रोडक्ट है उस पर कितना स्पेंड करेगा, इस चीज़ का हिसाब लगाया जाता है। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है कि एक फीमेल कस्टमर है जो कि लिपस्टिक की कस्टमर है, उनकी जो लिपस्टिक है वो 1 महीने तक चलती है, और एक एवरेज निकाला गया है कि उन्होंने 10 साल तक लिपस्टिक जो है वो इस्तेमाल करनी है, 10 साल तक उन्होंने लिपस्टिक खरीदनी है उस कंपनी की। लिपस्टिक की जो प्राइस है वो है 500 रुपीज़ की। सो अगर 12 महीने का हिसाब लगाया जाए, हर महीने उन्होंने लिपस्टिक खरीदनी है क्योंकि हर 1 महीने चलती है उनकी लिपस्टिक्स, तो
12 महीने के हिसाब से बनता है 6,000। तो 6,000 उनकी वैल्यू बनती है पर ईयर के हिसाब से, और 10 साल तक अगर उन्होंने लिपस्टिक खरीदनी है तो जो उनकी लाइफ टाइम वैल्यू बनती है वो बनती है 60,000 रुपीज़ की। यानी कि जो लाइफ टाइम इनकी वैल्यू होगी वो 60,000 रुपीज़ है। वैसे तो देखा जाए उन्होंने 500 रुपीज़ की प्रोडक्ट खरीदी है, लेकिन जो उनकी लाइफ टाइम वैल्यू बन रही है वो 60,000 रुपीज़ की बन रही है। सो इस तरीके से कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू जो है वो निकाली जाती है। नाउ दी शेयर ऑफ कस्टमर, शेयर ऑफ कस्टमर इज दी पोर्शंस ऑफ कस्टमर्स परचेजिंग। पोर्शन होता है कस्टमर की परचेजिंग का डेट कंपनी गेट्स इन द प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर जो कंपनी हासिल करती है, जो अपनी एक प्रोडक्ट कैटेगरी में हासिल कर रही है वो। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर अगर सेटिस्फाई है एक पर्टिकुलर ब्रांड से और वो बाय करता है उस ब्रांड की ब्रेड भी, मिल्क भी, बन भी, ब्रेड बिस्किट भी, ये तमाम चीज़ें उस सेम ब्रांड की बाय कर रहा है, तो जो कस्टमर ने जितना उन तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर स्पेंड किया है उस सेम ब्रांड का, उसको कहा जाएगा शेयर ऑफ कस्टमर। उसके बाद आता है कस्टमर इक्विटी। कस्टमर इक्विटी जो है वो तमाम कस्टमर्स की लाइफ टाइम वैल्यू को अगर हम कंबाइन करते हैं तो वो होती है कस्टमर इक्विटी। किसी एक कस्टमर की नहीं बल्कि तमाम कस्टमर की जो लाइफ टाइम वैल्यू होती है उसको हम कंबाइन करते हैं। नाउ दी कस्टमर एंगेजमेंट मार्केटिंग। कस्टमर एंगेजमेंट मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजिक डिस्क्राइब करता है एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच को, जिसका एम होता है मैक्सिमाइज करना हर अपॉर्चुनिटी को ताकि एंगेज किया जाए कस्टमर को इस तरीके से ताकि वो खरीदना चाहे। देन दी कस्टमर जनरेटेड मार्केटिंग, ये एक आज के दौर में काफ़ी कॉमन एक स्ट्रेटजी है, एक टेक्निक है जो कि, और एक अफोर्डेबल स्ट्रेटजी है जो कि कंपनीज यूज़ करती हैं, जिसके अंदर कस्टमर क्रिएटेड मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, कस्टमर क्रिएटेड, यूज़र क्रिएटेड कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, कंपनीज इनवाइट करती हैं अपने कस्टमर को कि वो डेवलप करें कंटेंट कंपनी की मार्केटिंग कैंपेन के लिए, या फिर रिव्यू करें उनके प्रोडक्ट्स के बारे में ब्लॉग्स के थ्रू, आर्टिकल के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू। और आज के दौर में ये सब ज़्यादातौर पे सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर आप देखते होंगे, कंपनीज वाले कस्टमर को इनवाइट करते हैं और इसके इनवाइट करने के बाद वो इनाम भी रखते हैं कि जो अच्छा डिज़ाइन करेगा उसको फिर वो इनाम भी देंगे, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। सो वो कस्टमर जनरेटेड मार्केटिंग होती है। और उसके बाद है फिर डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग का दौर है आज के दौर में, ज़्यादातौर पर डिजिटल मार्केटिंग होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग उसी की एक ब्रांच है जिसके अंदर सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है। तो डिजिटल टूल इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे कि वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, मोबाइल एड्स, एप्लीकेशंस, ऑनलाइन वीडियोस, ईमेल्स, ब्लॉग्स, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है डिजिटल मार्केटिंग में, और इनके जरिए इंगेज किया जाता है कस्टमर कंज्यूमर्स को जहाँ कहीं भी हो दुनिया भर में, और किसी भी टाइम जब भी वो अपनी डिजिटल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उनके ज़रिए, जैसे कि स्मार्टफोन्स हैं, कंप्यूटर है, टैबलेट है, इन तमाम डिवाइसेस के ज़रिए उनको इंगेज किया जाता है दुनिया में कहीं भी हो वो। तो ये हुई थीम नंबर वन कंप्लीट। नाउ द थीम नंबर टू, जिसका टाइटल है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। सो मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है? मार्केटिंग एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, तमाम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन को, जो कि रिलेटेड होते हैं मार्केटिंग एक्टिविटीज से। मार्केटिंग एनवायरनमेंट में हमारे पास माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट होते हैं। सो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? माइक्रो एनवायरनमेंट में तमाम माइक्रो फैक्टर्स शामिल होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बिजनेस स्ट्रेटजी को, डिसीजन मेकिंग को और परफॉर्मेंस को। मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन खुद शामिल होती है, सप्लायर्स शामिल होते हैं, इंटरमीडिएट्स शामिल होते हैं, कॉम्पिटिटर्स शामिल होते हैं, कस्टमर्स शामिल होते हैं, पब्लिक शामिल होती है। सो द कंपनी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, अब एक एक करके देखते हैं इन तमाम को। सो कंपनी जो है यानी कि, सो जब डिज़ाइन की जाती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज और ऑब्जेक्टिव, सो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, क्लोज कोऑर्डिनेशन रखते हैं दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, ताकि क्लोज कोऑर्डिनेशन रखने की वजह से वो अपने गोल्स को सही तरीके से अचीव कर सकते हैं। अगर वो क्लोज कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे तो अपने गोल्स को सही तरह अचीव नहीं कर सकेंगे। देन दी सप्लायर्स, सप्लायर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं रिसोर्सेज, गुड्स और सर्विसेज के लिए, ये रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये सप्लाई करते हैं। सो मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, ये दरमियाने लोग होते हैं जो प्रमोट करते हैं, सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंपनी की प्रोडक्ट्स को एंड यूजर्स तक। अगर ये कोऑपरेटिव या सपोर्टिव नहीं हो तो कंपनी जो है वो जाहिर बात है अपनी वैल्यू को डिलीवर नहीं कर पाएगी, अपनी प्रोडक्ट को सही तरह डिलीवर नहीं कर पाएगी। और ये कौन लोग होते हैं? ये होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर वगैरह होते हैं।
नाउ द कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं? कॉम्पिटिटर्स राइवल्स भी होते हैं और एक तरफ इंस्पायरर भी होते हैं, एक तरफ इनसे मुकाबला भी चलता है और एक तरफ इंस्पायर भी करते हैं। राइवल्स कुछ इस तरह से होते हैं कि कॉम्पिटिटर्स वही करना चाहते हैं जो कंपनी करना चाहती है। जिन कस्टमर को कंपनी टारगेट कर रही है वही कॉम्पिटिटर को, कॉम्पिटिटर भी उन्हीं को टारगेट कर रहा है। और जाहिर बात है जब ज़्यादा कॉम्पिटिटर होते हैं तो वहाँ पे कंपनीज जो है वो प्राइस को कट डाउन कर देती है, गिरा देती है, ताकि ज़्यादा मार्केट शेयर को हासिल कर सके। और कॉम्पिटिटर इंस्पायरर भी होते हैं, इस तरीके से इंस्पायरर होते हैं कि कंपनी जो है वो इनको देखकर इंस्पायरेशन हासिल करती है जब ये कोई नई चीज़ करते हैं। सो कंपनीज जो है वो एफिशिएंट भी बन जाती है। नाउ द कस्टमर्स, अब कस्टमर्स जो है जाहिर बात सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और कस्टमर जाहिर बात एक किंग होता है। तमाम मार्केटिंग एक्टिविटीज जो है वो कस्टमर सेंट्रिक होती हैं, कस्टमर के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। देन दी पब्लिक्स, पब्लिक जो है वो कोई भी ग्रुप होता है जिसका एक्चुअल या पॉसिबल इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टू अचीव इट्स गोल। और पब्लिक में कई सारी पब्लिक आती है, फाइनेंशियल पब्लिक, मीडिया पब्लिक, गवर्नमेंट पब्लिक, लोकल पब्लिक, जनरल पब्लिक एंड इंटरनल पब्लिक। फाइनेंशियल पब्लिक वो होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो वर्क करती है फाइनेंशियल सेक्टर में और इन्फ्लुएंस करती है कंपनी की फंडिंग को, जैसे कि बैंक है, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट है, स्टॉक होल्डर वगैरह है। और मीडिया पब्लिक की बात करें तो मीडिया आज का दौर ही मीडिया का दौर है। मीडिया जो वो मास एक्सपोजर देता है कंपनी की एक्टिविटीज़ को, और मीडिया के अंदर डिफरेंट मीडिया आ जाते हैं, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया आज के दौर में बहुत कॉमन है। देन द गवर्नमेंट पब्लिक, गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेक्टर होती है स्टेट के पब्लिक इंटरेस्ट का और ये सर्विस भी प्रोवाइड करती है, और इसका काम होता है रेगुलेट करना बिजनेस को और केयरफुली देखना कि जो बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वो फॉलो करें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को और रूल्स और रेगुलेशन को। देन दी सिटीजन एक्शन पब्लिक्स, सो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं सोसाइटी में जो कि वर्क करती हैं डिफरेंट ग्रुप्स के लिए या कम्युनिटीज के लिए, ताकि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें, उनको राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो काम करती हैं और ये वॉलेंटरीली तौर पे वर्क करती हैं। नाउ दी लोकल पब्लिक्स, सो हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क करती है किसी लोकेलिटी में या एरिया के अंदर वर्क करती है, जाहिर बात है कोई ना कोई एरिया या लोकेलिटी होगी जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। सो नेबरहुड रेजिडेंट जो होते हैं वो लोकल पब्लिक होती है। देन द जनरल पब्लिक, सो अ जनरल कस्टमर्स परसेप्शन और ओपिनियन पोर्ट्रेज द जनरल पब्लिक। एक जनरल जो कस्टमर का परसेप्शन होता है या ओपिनियन होता है वो पोर्ट्रे करता है जनरल पब्लिक को। और एक अच्छी ब्रांड इमेज या परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। देन द इंटरनल पब्लिक, अब इनके नाम से पता चल रहा है ये अंदरूनी पब्लिक होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। सो ये वाइटल रिसोर्सेज होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये एक्चुअली कंपनी के अपने एम्प्लॉयज, एग्जीक्यूटिव, सप्लायर या स्टॉक होल्डर होते हैं। सो नाउ दी मैक्रो इन्वायरमेंट, सो मैक्रो इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो ये मैक्रो इन्वायरमेंट का मतलब होता है रेफर्स टू द सेट ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी। वो सेट ऑफ कंडीशन जो पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट करती है एज अ होल, रेदर देन इन अ पर्टिकुलर सेक्टर और रीजन, किसी एक सेक्टर या रीजन में नहीं बल्कि पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर। और मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं ये अनकंट्रोलेबल होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनको कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि ये एक्सटर्नल होती है, पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर होती है। किसी एक रीजन में या सेक्टर में हो तो जाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशन फिर भी कंट्रोल कर ले, लेकिन पूरी इकोनॉमी में जो चीज़ हो रही है उसको एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकती। तो इसके अंदर कई सारी फोर्सेस शामिल हैं जैसे कि डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक है, नेचुरल है, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है और कल्चरल है। एक एक करके देखते हैं। डेमोग्राफिक का मतलब होता है स्टडी करना पॉपुलेशन के बारे में, जो कि बेस करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर जैसे कि एज, रेस, जेंडर, साइज, डेंसिटी, लोकेशन, ऑक्यूपेशन वगैरह। दूसरा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से मुराद तमाम वो एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंग हैबिट्स को कंज्यूमर्स के और बिजनेस के, और लिहाजा वो अफेक्ट करते हैं जो परफॉर्मेंस होती है कंपनी की उसको। नाउ द नेचुरल एनवायरनमेंट, अब नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर नेचुरल रिसोर्सेज कंसर्न है, अगर नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नेचुरल जो रॉ मटेरियल है नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर उसके अंदर कमी देखने में आ रही है, शॉर्टेज देखने में आ रही है। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे कि वाटर है, गैस है और ऑयल है इनके अंदर, और पॉल्यूशन के अंदर इजाफा होना ये एक फैक्टर है नेचुरल डिजास्टर का। सो शॉर्टेज होने की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करती है, मुदाखलत करती है इन इशूज़ के अंदर। और कुछ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज बनाती है।
सो एज अ बिजनेस पर्सन और मार्केटर के तौर पे किसी शख्स को देखना चाहिए जो रिकॉर्ड रखना चाहिए जो भी ट्रेंड है नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर उसका, नॉट द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सो इसका मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट होना टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर जो कि अफेक्ट करती है बिजनेस को, न्यू इन्वेंशन ऑफ प्रोडक्शन के जरिए एंड अदर इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक्स, और जो दूसरी इम्प्रूवमेंट होती है टेक्निक्स में जिसके जरिए परफॉर्म किया जाता है बिजनेस वर्क को। नाउ दी पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट, सो पॉलिटिक्स जो है जारी बात है एक ऐसा फैक्टर है जिसका बिजनेस के ऊपर या तो पॉजिटिवली भी अफेक्ट हो सकता है, नेगेटिवली भी हो सकता है। स्ट्रिक्टली तौर पे बिजनेस जो है वो अफेक्टेड होते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से। गवर्नमेंट जब भी चेंज होती है, अब चेंज होने से या तो फायदा भी हो सकता है बिजनेस को या नुकसान भी हो सकता है। और लीगल एनवायरनमेंट कानून यानी कि किसी भी कंट्री का, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। सो कंपनीज को जानना चाहिए किस तरीके से एक कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो अफेक्ट करता है इकोनॉमी को। नाउ द कल्चरल एनवायरनमेंट, अब कल्चर जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी सोसाइटी के अंदर, और जो कल्चर की वजह से कई सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों के अंदर कॉमन पाई जाती हैं। मुख्तलिफ तरह के लोग पाए जाते हैं किसी भी सोसाइटी में, लेकिन जो कल्चर की चीज़ होती है वो कॉमन पाई जाती है। पाकिस्तान का जो कल्चर है जाहिर बात है वो चीज़ें यहाँ के लोगों में कॉमन पाई जाएगी, चाहे कोई शख्स जितना भी पढ़ा लिखा हो या फिर कम पढ़ा लिखा हो, या जितना अमीर हो या जितना गरीब हो। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि यहाँ पर बिल्कुल कॉमन पाई जाती हैं। लेकिन अब अहम तरीन बात यह है कि डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट कल्चर होता है। एशियन कंट्रीज़ के अंदर भी डिफरेंट कल्चर पाया जाता है। पाकिस्तान का जो कल्चर है वो चाइना का कल्चर नहीं है, और इसी तरह से मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर भी डिफरेंट कल्चर पाया जाता है। पाकिस्तान का कल्चर अलग है, ईरान का कल्चर अलग है, मलेशिया का कल्चर अलग है। सो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट कल्चर पाया जाता है। तो इसी वजह से जो मार्केटर्स होते हैं उनको कल्चर को देखना होता है कि जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो उस कंट्री के कल्चर के मुताबिक है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है कि अगर फूड की अगर हम बात करें कि अब कोई अगर खाना बेचना चाहता है यानी कि कोई रेस्टोरेंट वगैरह अपना ओपन करना चाहता है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर अब पाकिस्तान के अंदर लोग जो है वो नॉन वेज फूड भी खाते हैं और वेज भी खाते हैं, दोनों तरह की चीज़ें खाते हैं। इंडिया की अगर मिसाल दी जाए तो वहाँ ज़्यादातर पे लोग वेजिटेरियन हैं, वहाँ पे लोग जो है वो गोश्त वगैरह नहीं खाते। तो अब वहाँ पे अगर नॉन वेज बेचा जाएगा तो लोग नहीं खरीदेंगे, बहुत कम ही उसकी सेल होगी, और यहाँ पे अगर नॉन वेज बेचा जाएगा तो उसकी काफ़ी सेल होगी। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं कल्चर की वजह से मार्केटर्स के लिए। तो ये हुई थीम नंबर 2 कंप्लीट। नाउ द थीम नंबर 3 जिसका टाइटल है ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सो मार्केटिंग क्या है? इज ऑल अबाउट सर्विंग कस्टमर प्रॉफिटेबली। आपको पहले भी बताया जा चुका है मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई किया जाता है और प्रॉफिट अर्न करते हुए। मार्केटिंग का मकसद ही यही कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना और प्रॉफिट अर्न करना। सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो टॉप लेवल की प्लानिंग होती है जो कि ब्रॉड लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर डेवलप किया जाता है, मेंटेन किया जाता है स्ट्रेटेजिक फिट ऑर्गेनाइजेशनल गोल के दरमियान, कैपेबिलिटीज के दरमियान और चेंजिंग मार्केटिंग एनवायरमेंट के दरमियान, क्योंकि एनवायरमेंट जो है वो चेंज होता रहता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का जो पर्पज़ होता है वो सेट करना, ओवरऑल गोल को सेट करना होता है बिजनेस के, और डेवलप करना होता है एक ऐसा प्लान जिसके जरिए अचीव किया जा सके उन गोल को। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के कुछ हिस्से हैं एनवायरमेंट एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। एनवायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन या मार्केटिंग के सराउंडिंग है उसको हम एनवायरमेंट कहते हैं। एनवायरमेंटल एनालिसिस ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए स्टडी किया जाता है एक्टर्स, फैक्टर्स एंड फोर्सेस आउटसाइड मार्केटिंग। सो एक्टर्स के अंदर हमारे पास सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। फैक्टर्स में पब्लिक फोर्सेस के अंदर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फोर्सेस वगैरह, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। सेवरल टूल्स हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस के, वो आपके सामने मौजूद है। पेस्टल्स है और स्टेपल है। इसके अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और लीगल, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल है। नाउ द इंटरनल एनालिसिस, अब इसके नाम से पता चल रहा है कि इंटरनल है ये। सो इंटरनल एनालिसिस क्या है? प्रोसेस है स्टडी करना, एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए स्टडी किया जाता है एक्टर्स, फैक्टर्स, फोर्सेस को, जो कि इनसाइड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं।
सो इंटरनल एनालिसिस जो है वो देखता है उन फैक्टर्स को जो कि बिजनेस के अंदर होते हैं, जो कि स्ट्रेंथ या वीकनेस है, जैसे क्योंकि स्ट्रेंथ वीकनेस अंदर होती है। नाउ द पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के बारे में जो यहाँ लिखा गया है उसके मुताबिक ये एक बास्केट होती है उन गुड्स और सर्विसेज की जिनको ऑफर किया जाता है, उनकी बास्केट को कहा जाता है। सो पोर्टफोलियो जो है वो कलेक्शन होती है प्रोडक्ट या सर्विसेज की जिसको कंपनी ऑफर कर रही होती है। रिजल्ट जो आया इंटरनल एनालिसिस का वो स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है, क्योंकि ये दोनों इंटरनल होती है। विजन, विजन क्या है? विजन जो है वो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देता है। विजन जो है वो पिक्चर होती है ऑर्गेनाइजेशन की, फ्यूचर का ये आउटलाइन करती है। व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बी, ऑर्गेनाइजेशन क्या बनना चाहती है। नाउ द मिशन, मिशन क्या? ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस, ये कोर पर्पस होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का। सो बिजनेस पोर्टफोलियो, बिजनेस पोर्टफोलियो कलेक्शन होती है बिजनेसेस की एंड प्रोडक्ट की दैट मेक अप दी कंपनी। उसके बाद है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एक कंपनी का ही एक हिस्सा होता है जिसके जिसका अपना सेपरेट मिशन और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसको सेपरेटली प्लान किया जाता है दूसरे कंपनी के बिजनेसेस से। ये है तो कंपनी का हिस्सा लेकिन रिलेटिवली ऑटोनोमस डिवीजन होता है किसी भी एक बड़ी कंपनी का, जो कि ऑपरेट करता है एक इंडिपेंडेंट इंटरप्राइज के तौर पर, एक आजाद एंटरप्राइज के तौर पे ये ऑपरेट करता है। इसी वजह से इसका सेपरेट मिशन और ऑब्जेक्टिव होता है। कंपनी का हिस्सा होने के बावजूद भी ये एक इंडिपेंडेंट एंटरप्राइज होता है कंपनी के अंदर। उसके बाद है फिर बीसीजी मैट्रिक्स। अब ये एक टूल है पोर्टफोलियो एनालिसिस का। बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऑफर करती है कंपनी, तो उसको एनालिसिस किया जाता है। देखा जाता है कि रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट कितना है कंपनी का उस हिसाब से प्रोडक्ट्स का। सो चार तरह की प्रोडक्ट के डिवीजन सामने आते हैं, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश का और डॉग। स्टार की कैटेगरी में जो प्रोडक्ट फॉल करती है उसका रिलेटिव मार्केट शेयर भी हाई है, मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई है। क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में जो प्रोडक्ट फॉल करेगी उसका रिलेटिव मार्केट शेयर तो लो है लेकिन मार्केट ग्रोथ रेट हाई है। कैश का होगा रिलेटिव मार्केट शेयर हाई है लेकिन ग्रोथ रेट लो है। डॉग की दोनों ही चीज़ें कम हैं। नाउ द प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रीड। अब ये जो प्रोडक्ट ग्रीड है या फिर मार्केट एक्सपेंशन ग्रीड है, ये एक ऐसा टूल है जिसके जरिए बिजनेस जो है वो यूज करते हैं इसको ताकि डेवलप कर सकें ग्रोथ स्ट्रेटजी। सो चार चीज़ें इसके अंदर मौजूद है हमारे पास। मार्केट पेनिट्रेशन है पहली चीज़, जिसमें एग्जिस्टिंग मार्केट्स और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट शामिल है। एग्जिस्टिंग ही मार्केट होगी और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होगी उसकी सेल को बढ़ाया जाएगा, वो मार्केट पेनिट्रेशन है। न्यू प्रोडक्ट्स अगर लेकर आएंगे एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगी, और नई मार्केट के अंदर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लाएंगे मार्केट डेवलपमेंट, और दोनों ही चीज़ें नहीं होगी तो डाइवर्सिफिकेशन होगी। नाउ दी वैल्यू चेन। वैल्यू चेन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि डिस्क्राइब करता है फुल चेन जो है बिजनेस एक्टिविटीज को, क्रिएशन के अंदर प्रोडक्ट या सर्विस की। उसके बाद है फिर वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क। वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क इज मेड अप ऑफ कंपनी, इसके अंदर कंपनी शामिल है, सप्लाई शामिल है, डिस्ट्रीब्यूटर और अल्टीमेटली कस्टमर जो एक दूसरे के पार्टनर होते हैं ताकि इंप्रूव कर सके परफॉर्मेंस इंटायर सिस्टम की। देन दी मार्केट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होती है कि मार्केट को तोड़ दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है ग्रुप्स ऑफ बायर के अंदर, और वो जो ग्रुप्स होते हैं बायर के उनके अंदर सेम जो है वो नीड्स होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बिहेवियर है, इन बुनियादों के ऊपर उनको तोड़ दिया जाता है। जब तोड़ दिया जाता है तो उसके बाद सेगमेंटेशन के बाद टारगेटिंग की जाती है। टारगेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर इवेल्यूएट किया जाता है हर मार्केट सेगमेंट की अट्रैक्टिवनेस को, और सिलेक्ट कर दिया जाता है एक या एक से ज़्यादा सेगमेंट को उसमें एंटर होने के लिए। देन दी पोजिशनिंग। पोजिशनिंग का मतलब होता है एक ऐसी एबिलिटी जिसके जरिए इन्फ्लुएंस किया जाता है कंज्यूमर के परसेप्शन को एक ब्रांड के बारे में या फिर प्रोडक्ट के बारे में रिलेटिव टू कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर के मुकाबले में। नाउ दी मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है? टूल है, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ टूल है 4 P's का, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये पहले भी आ चुका है। और फिर आखिर में आपके पास शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस की डिटेल मैनेजमेंट के कोर्सेज में भी आप पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको बेसिक्स बताई जा रही है। चार चीज़ें होती हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ वीकनेस इंटरनल है, अपॉर्चुनिटीज थ्रेट एक्सटर्नल है। स्ट्रेंथ जो है वो इंटरनल कैपेबिलिटीज होती है जो कि हेल्प करती है कंपनी को उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के अंदर। वीकनेसेस लिमिटेशन होती है, हर कंपनी की अपनी लिमिटेशन होती है और ये इंटरफेयर करती है जब कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है। अपॉर्चुनिटीज बाहर से उसको मिलती हैं और जाहिर बात है ये फायदेमंद होती हैं, ग्रैब करती है अगर कंपनी अपॉर्चुनिटीज को तो उसको काफ़ी फायदा होता है। और थ्रेट्स जो है जाहिर बात है खतरात होते हैं बाहर से जो कि चैलेंज करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस को। तो ये हुई थीम नंबर 3 कंप्लीट यहाँ पर। नाउ द थीम नंबर 4 जिसका टाइटल है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो कस्टमर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट सी है। 5 C's जो होते हैं मार्केटिंग के, उनके दरमियान 5 C's कौन कौन से होते हैं? कंपनी, कोलेबोरेटर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड कॉन्टैक्ट्स। मार्केटिंग एक्टिविटीज कस्टमर के इर्द गिर्द घूमती हैं। सो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप अपने कस्टमर्स के साथ। वन टाइम सेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता बल्कि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होता है।
ताकि कस्टमर जो वो बार बार खरीदे और ट्रस्ट करे कंपनी के ऊपर। सो लॉन्ग लास्टिंग और एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए कस्टमर के साथ कस्टमर की नीड्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना ज़रूरी होता है। इन्फॉर्मेशन बहुत सी सोर्सेज से कंपनी हासिल करती है कस्टमर की नीड के बारे में, और उस इन्फॉर्मेशन को मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। लेकिन मार्केटिंग इन्वायरमेंट फ्लक्चुएट करता है, इसी वजह से जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए फ्रेश इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कस्टमर के बारे में। जाहिर बात है, वक्त के साथ साथ कस्टमर की नीड वांट डिमांड में चेंजेस आती रहती है। आज जो कस्टमर चीज खरीदना चाह रहा है, हो सकता है आज से एक साल बाद नहीं खरीदना चाह रहा हो। सो ऐसे डायनेमिक, आज के डायनेमिक और डिजिटल मार्केटिंग एनवायरनमेंट में कस्टमर खुद एक हिस्सा है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को जनरेट करने का। फॉर एग्जांपल, अगर हम सोशल मीडिया की देखें तो सोशल मीडिया के अंदर कस्टमर खुद अपने बारे में, अपना बायोडेटा और अपनी नीड के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। सो कंपनी के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कस्टमर का बायोडेटा और उसकी नीड को समझ सके। सो इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर्ड हो जाती है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, और टाइम बाय टाइम उसको मैनेजर्स यूज करते हैं नीड के मुताबिक, ताकि वो डिसीजन ले सकें वेरियस मार्केटिंग कंसर्न के बारे में। सो तमाम जितने भी डिसीजन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो बेस करते हैं इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो कि मार्केटर्स कलेक्ट करते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट से, और वो इन्फॉर्मेशन डेटाबेस का हिस्सा बन जाती है मार्केटिंग डेटाबेस का। सो ये जो इंटरनल डेटा होता है, ये मदद करता है मार्केटर्स की, ताकि फ्यूचर डिसीजन ले सकें प्रोडक्ट के बारे में। और अगर एक्सटर्नल डेटा की बात की जाए तो मार्केटिंग इंटेलिजेंस मदद करती है मार्केटर्स की बहुत से मार्केटिंग डिसीजंस के अंदर, जैसे कि इम्प्रूविंग सेल्स है, डेवलपिंग कस्टमर रिटेंशन कैपेबिलिटीज है, मॉनिटरिंग कॉम्पिटिटर्स मूव है। और अगर बात की जाए मार्केटिंग रिसर्च की, तो ये मदद करती है ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमाइज करने में, सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में, सेल्स को प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर सेल्स गिर रही है तो उसका रीज़न जानने में कि क्यों गिर रही है, और असेस करना जो फीडबैक है कस्टमर का किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, क्योंकि प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले भी कस्टमर का फीडबैक ज़रूरी होता है, अदरवाइज प्रोडक्ट फेल भी हो सकती है। अगर फीडबैक ना लिया जाए तो पता ही नहीं होगा कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को लाइक भी करेगा या नहीं करेगा। सो मार्केटर्स क्या करते हैं, गुजरते हैं प्रोसेस से मार्केट रिसर्च के, ताकि वो डिसीजन ले सकें, और वो डिसीजन बेस्ड होते हैं साइंटिफिक और लॉजिकल कंक्लूजन के ऊपर, सिस्टमेटिक, सॉरी सिस्टमेटिक यानी कि एक सिस्टम के ऊपर बेस्ड होते हैं, और लॉजिकल कंक्लूजन यानी कि मंतकी नतज के ऊपर। सो मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट जो है वो असेस करता है, इवेल्यूएट करता है, जज करता है कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन कस्टमर के बारे में रिक्वायर्ड है, ताकि वो गाइडलाइन हासिल कर सके मार्केटिंग मैनेजर से और दूसरे इन्फॉर्मेशन यूजर से। सो मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट कलेक्ट करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को मार्केटिंग इन्वायरमेंट से, और उसके बाद इन्फॉर्मेशन को मूव कर दिया जाता है इंटरनल डेटाबेसिस के अंदर, मार्केटिंग इंटेलिजेंस और रिसर्च प्रोसेस के अंदर, ताकि मालूम का तजिया और इस्तेमाल किया जा सके। सो मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस जो है उसके कुछ स्टेप्स हैं। सो जो पहला स्टेप है, उसके अंदर प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है, और ऑब्जेक्टिव जो है वो रिसर्च के वो डिज़ाइन किए जाते हैं। सो मार्केटिंग प्रॉब्लम्स जो है वो कई तरह की हो सकती हैं, जैसे न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है उसका पॉजिटिव फीडबैक जो यूजर से नहीं मिल रहा है, एक तो ये, दूसरा ये कि एडवर्टाइजिंग पॉलिसी वर्क नहीं कर रही जो भी एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव हैं उसके मुताबिक, और कस्टमर की जो कंप्लेन है, कंप्लेन कर रहा है वो किसी प्रोडक्ट के बारे में, और किस तरीके से कॉम्पिटिटर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है प्रोडक्ट को, और कौन सी डिफिकल्टी असिस्ट हुई है प्राइसिंग पॉलिसी जो है प्रोडक्ट की उसके अंदर। सो सेकंड स्टेप जो है रिसर्च प्लान का, वो होता है डेवलप करना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है इंटरव्यूज, सर्वेज और पब्लिश मटेरियल के जरिए। और थर्ड स्टेप जो होता है रिसर्च प्लान का, उसके अंदर रिसर्च प्रोसेस का, उसके अंदर प्लान को रिसर्च प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ताकि कलेक्ट किया जा सके और एनालाइज किया जा सके डेटा। और लास्ट स्टेप जो होता है उसके अंदर जो फाइंडिंग्स होती हैं, जो भी डिस्कवरीज और रिजल्ट्स होते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन और रिपोर्टिंग की जाती है। सो इम्प्लीमेंटिंग करने के लिए मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस को डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च कुछ भी कंडक्टेड, मुख्तलिफ तरह की रिसर्च कंडक्ट की जा सकती है नेचर ऑफ स्टडी के मुताबिक। सो डिफरेंट तरह की रिसर्च होती है, कोई एक रिसर्च नहीं होती है। सो अगर हम एग्जाम्पल देखें एक्सप्लेटोरी रिसर्च की, सो ये एक ऐसी रिसर्च होती है जिसको इस्तेमाल किया जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक ऐसी प्रॉब्लम को जो क्लियरली डिफाइंड प्रॉब्लम ना हो। सो जहाँ पर क्लियरली डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पर एक्सप्लेटोरी रिसर्च होगी। देन के डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये एक ऐसी रिसर्च होती है जो कि डिस्क्राइब करती है पॉपुलेशन को, सिचुएशन को और फिनोमेना को जो कि जिसको स्टडी किया जा रहा होता है। उसके बाद आती है कोजल रिसर्च, कोजल रिसर्च जो होती है ये एक ऐसा रिसर्च मेथड होता है जिसके इस्तेमाल किया जाता है ताकि डिटरमाइन किया जाए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के दरमियान। सो जितने भी आपको तरीके बताए गए रिसर्च के, मार्केटर्स जो है वो फर्स्ट हैंड या प्राइमरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वेरियस मेथड्स के जरिए।
जैसे कि सर्वे है, इंटरव्यू है या एक्सपेरिमेंट है, इन तमाम के जरिए वो प्राइमरी सर्च करते हैं। और इसको करने के लिए अगर एग्जांपल यहाँ पे दी गई है कि अगर एक कंपनी ये देखना चाहती है कि नई सॉफ्टवेयर उन्होंने लॉन्च की है तो उस पर कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्स है, इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने स्टाफ को भेजते हैं डिफरेंट शॉपिंग मॉल में और इनका स्टाफ इंटरव्यू लेता है, क्वेश्चन पूछता है सॉफ्टवेयर के बारे में। इस तरह कंपनी जो है वो प्राइमरी डेटा जो है वो कंज्यूमर से कलेक्ट करती है। सो प्राइमरी डेटा हमेशा डायरेक्टली कंज्यूमर से कलेक्ट किया जाता है, जबकि सेकेंडरी डेटा भी कलेक्ट किया जा सकता है रिसर्च के लिए, वो कलेक्ट किया जाता है न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल और गवर्नमेंट डेटाबेसिस से। अब ये हो सकता है कि जो डेटा है ये मुख्तलिफ दूसरे पर्पसेस के लिए पब्लिश किया गया हो, लेकिन कंपनी अपनी रिलिवेंसी के मुताबिक इन डेटा का इस्तेमाल करती है। सो इस तरह मार्केटर्स जो है वो मार्केटिंग के रिसर्च के प्रोसेस के बाद किसी भी मार्केटिंग के रुझान के बारे में मंतकी नतीजा तलाश करते हैं और जमाशुदा मालूमात को फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए मार्केटिंग इंफॉर्मेशन डेटाबेस में भी महफूज कर सकते हैं। तो ये हुई थीम नंबर 4 कंप्लीट। सो थीम नंबर 5 कंज्यूमर बायर बिहेवियर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जो है मार्केट प्लेस का वो कंज्यूमर है। सो कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो कि जाहिर बात है अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। तो जितने भी इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड जो कि पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हैं वो मिलकर कंज्यूमर मार्केट बनाते हैं। सो रोज़ाना की बुनियाद पे कंज्यूमर जो है वो बहुत से बाइंग डिसीशन लेते हैं और मार्केटर्स जो है जाहिर बात है उन्हीं चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते हैं कि वाई, क्यों, हाउ, कैसे, वैन, कब और वाट आर दे परचेजिंग, इन तमाम क्वेश्चंस के ऊपर वो सर्च कर रहे होते हैं। सो इन तमाम क्वेश्चंस के बारे में मार्केटर्स जो वो सीखते हैं कि कंज्यूमर आखिर क्यों, कब, कैसे और किस तरह से वो और क्या जो है वो खरीदता है। लेकिन जो वाई है इनके क्यों, इसका आंसर जो है बहुत मुश्किल होता है कंपनी को मिलना, क्योंकि कई बार तो कस्टमर को भी खुद नहीं पता होता कि वो कोई चीज़ क्यों खरीद रहा है। अब कई सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से कस्टमर कोई चीज़ खरीदता है। अब आपके सामने मॉडल है कंज्यूमर बायर बिहेवियर का। इसमें सबसे पहले एनवायरनमेंट है जिसके अंदर मार्केटिंग स्टिमुलाई और अदर्स है। स्टिमुलाई के अंदर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन है। अदर्स के अंदर इकोनॉमिक, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल है। बायर्स ब्लैक बॉक्स है जिसके अंदर बायर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी खसूसियात और उसका डिसीजन प्रोसेस। और बायर रिस्पॉन्सेज के अंदर आखिर में जो बायर रिस्पॉन्सेज है उसमें बाइंग एटीट्यूड एंड प्रेफरेंसेस, परचेज बिहेवियर, व्हाट द बायर्स बाय, क्या बायर बाय करता है, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ से, एंड दी वेयर माने कहाँ और एंड हाउ मच, कितना यानी के, उसके बाद फिर ब्रांड एंड कंपनी रिलेशनशिप बिहेवियर। सो ये तमाम चीज़ें जो है वो इस मॉडल में शामिल है। अब इनको थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। सो मार्केटिंग स्टिमुलाई के अंदर जो है वो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन शामिल है, जो कि 4 P's है मार्केटिंग का, मार्केटिंग मिक्स भी जिसको हम कहते हैं। और अदर एनवायरमेंटल स्टिमुलाई में इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल और दी कल्चरल फोर्सेस शामिल है। सो मार्केटर का मकसद क्या होता है, समझना होता है कि क्या होता है बायर्स ब्लैक बॉक्स के अंदर। सो बायर ब्लैक बॉक्स के 2 हिस्से हैं। बायर्स की करेक्टरिस्टिक जो कि डील करती हैं किस तरह कंज्यूमर परसीव करता है और रिएक्ट करता है, एंड अदर इज दी बायर्स डिसीजन प्रोसेस जो कि अफेक्ट करता है बायर बिहेवियर को। सो फर्स्ट वी विल लुक, पहले हम देखेंगे क्या बायर करेक्टरिस्टिक जो अफेक्ट करती है बायर बिहेवियर को। सो कंज्यूमर सॉरी कंज्यूमर बाइंग इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय, कंज्यूमर की जो बाइंग होती है वो अच्छी खासी अफेक्ट होती है कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल और पर्सनल फैक्टर्स से। ये फैक्टर्स जो वो कंट्रोल में नहीं होते मार्केटर्स के, अभी आपके सामने मौजूद है। कल्चरल के अंदर आ जाता है कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास, सोशल के अंदर रेफरेंस ग्रुप, फैमिली, रोल्स एंड स्टेटस, पर्सनल के अंदर एज एंड लाइफ साइकिल, स्टेज, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, लाइफ स्टाइल, पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजिकल के अंदर मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव्स एंड एटीट्यूड, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। सो बायर कैरेक्टरिस्टिक जो इन्फ्लुएंस करती हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, ये तमाम चीज़ें हैं। अब एक एक करके देखते हैं। कल्चरल फैक्टर, सो कल्चर जो है जाहिर बात है एक बहुत बड़ा असर होता है किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर। जो पाकिस्तानी कल्चर है जाहिर बात है वो यहाँ के लोगों के ऊपर उसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है उनकी बाइंग बिहेवियर के ऊपर, उनका जो जो भी चीज़ वो ख़रीदना चाहते हैं, चाहे कोई शख्स अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, तो किसी भी तरह का शख्स हो, लेकिन जो कल्चरल फैक्टर है वो उसके ऊपर लाजमी असर करेगा जब भी वो कोई चीज़ खरीदना चाहेगा। और कल्चर क्या है, वे ऑफ लाइफ होता है ग्रुप ऑफ पीपल का। सो पाकिस्तानी कल्चर की कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि हॉस्पिटैलिटी है, पैशनेट है, एग्रेसिव है, फन लविंग है एंड कलरफुल है, हार्ड वर्किंग एंड टफ है,
हम्बल है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ये, तो ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। और हर कल्चर का कुछ स्मॉलर कल्चर भी पाए जाते हैं, यानी कि सब कल्चर पाए जाते हैं, इनको हम सब कल्चर कहते हैं। हर कल्चर के अंदर कुछ छोटे कल्चर पाए जाते हैं। पाकिस्तान का एक अपना कल्चर है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे छोटे छोटे दूसरे कल्चर पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं सब कल्चर। सो चार बड़े जो मेजर सब कल्चर हैं, उसमें पंजाबी कल्चर है, सिंधी कल्चर है, केपी के कल्चर है, बलोची कल्चर है। इन चार सब कल्चर के अंदर भी और कल्चर पाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पंजाब में लाहौर का कल्चर अलग होगा और जो गांव देहात वगैरह उनका अलग, सिंध के अंदर कराची का कल्चर अलग, अंदरूनी सिंध का अलग। तो इस तरह से इन चारों प्रोविंस के अपने सब कल्चर तो मौजूद है, लेकिन उनके अंदर भी डिविजन्स मौजूद हैं सब कल्चर के अंदर। सो पंजाबी कल्चर की जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है वो है हॉस्पिटैलिटी, लव फॉर फूड, पोएट्री एंड म्यूजिक। सिंधी कल्चर की मेन करेक्टरिस्टिक्स है लव फॉर मिस्टिक्स है, सूफीज़म है, सिंधी फोक सॉन्ग्स है और म्यूजिक है। केपी के कल्चर की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है हॉस्पिटैलिटी है, लव, केयर एंड रिस्पेक्ट फॉर गेस्ट, मेहमानों के लिए, उसके अलावा ब्रेवरी है एंड प्रोटेक्शन टू फीमेल। उसके अलावा बलोची कल्चर की जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है वो है आर्ट्स, क्राफ्ट्स, ट्राइब्स, फेस्टिवल्स एंड स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस। सो एक और फैक्टर है जो अफेक्ट करता है बायर बिहेवियर को, वो है सोशल क्लास। सोशल क्लास जो है, जाहिर बात है, एक डिवीजन है सोसाइटी का जो कि बेस करता है सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर। और सोशल क्लास तीन तरह की है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। अपर क्लास के जो लोग होते हैं, सोशल इलीट होती है, जिनके पास इनहेरिटेड वेल्थ होती है और अर्न करते हैं हाई इनकम या फिर वेल्थ को। और ये क्लास फर्दर डिवाइड हो सकती है अपर अपर और लोअर अपर के अंदर। इसके बाद आई थी फिर मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के अंदर प्रोफेशनल्स शामिल हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस पर्सन हैं, कॉरपोरेट मैनेजर्स हैं, ये लोग इसमें शामिल हैं। और एवरेज पे की वाइट एंड ब्लू कॉलर जॉब्स ये लोग कर रहे होते हैं। और इसको भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं अपर मिडिल और लोअर मिडिल। और फिर जो तीसरी कैटेगरी आती है, ये आती है लोअर क्लास की। अब इसमें जो है, जाहिर बात है, वो लोग शामिल होते हैं जो ऐसे लोग शामिल हैं जो वर्किंग पुअर, जो पुअर वर्कर्स होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और जाहिर बात है, ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एजुकेशन भी बहुत कम होती है या एजुकेशन नहीं होती, अनस्किल्ड लेबर होते हैं और इंतहाई लो पे वाली जॉब्स ये लोग कर रहे होते हैं। ऐसी जॉब्स, ऐसे काम कर रहे होते हैं जिनमें मेहनत मजदूरी तो बहुत होती है, लेकिन लो पे वाली जॉब होती हैं। और नॉर्मली ये जॉब्स और इनके काम ऐसा होता है जो मेंटली वर्क कम होता है और फिजिकल वर्क जिसमें ज़्यादा होता है, और उसका पे भी बहुत कम होता है। उसके बाद है फिर सोशल फैक्टर्स। अब सोशल फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को, जैसे कि ग्रुप्स हैं, फैमिली है, सोशल नेटवर्क है, सोशल रोल एंड स्टेटस आ जाता है। सो डिफरेंट ग्रुप्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को। ग्रुप ऐसा ग्रुप जिससे एक शख्स का ताल्लुक होता है और वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है उसकी परचेजिंग बिहेवियर को, ऐसे ग्रुप को मेंबरशिप ग्रुप कहा जाता है। और एक ऐसा ग्रुप जिससे एक शख्स का ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को उस ग्रुप से कंपेयर करता है, वो रेफरेंस ग्रुप कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्रिकेट लवर के लिए पाकिस्तान की जो नेशनल क्रिकेट टीम है वो एक रेफरेंस ग्रुप है। जारी बात है, ज़्यादातर लोग क्रिकेट लवर जो है वो नहीं है उस टीम का हिस्सा, लेकिन वो अपने आप को उस टीम से कंपेयर करते हैं और वो फिर वो उसी तरह की चीज़ें खरीदते हैं, जिस तरह का बैट वो यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह की बॉल वो यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह की जर्सी उनके पास है, तो वो उस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं, वैसे ही दिखना चाहते हैं, वैसे ही क्रिकेट खेलना भी चाहते हैं वो। नाउ दी अब आज के दौर में एक नया ग्रुप जो है वो एमज हुआ है, जो कि है ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग। और सो जो ये जो है ऑनलाइन कम्युनिटीज़ होती हैं, जो कि लोग आपस में इंटरनेट के ऊपर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ज़रिए मिलते हैं, अपने एक्सचेंज करते हैं अपने ओपिनियंस को, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे साइट्स पे ये लोग मिलते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो इन्फ्लुएंस करती है कंज्यूमर की परचेज डिसीजन को, वो उसकी फैमिली होती है। फैमिली में इंसान ज़्यादातर वक्त अपना, जाहिर बात है, नॉर्मली स्पेंड करता है। सो फैमिली का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है कंज्यूमर की परचेज डिसीजन के ऊपर। सो एक शख्स का ताल्लुक एक वक्त में कई सारे ग्रुप से हो सकता है, फैमिली से भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन से भी हो सकता है, स्पोर्ट्स क्लब से भी हो सकता है, ऑनलाइन कम्युनिटी से भी हो सकता है। सो कंज्यूमर का डिसीजन पर्सनल फैक्टर्स से भी इन्फ्लुएंस होता है, जो उसकी पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स वगैरह होती हैं उसके ज़रिए भी
फॉर एग्जाम्पल एज, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, पर्सनैलिटी, लाइफ स्टाइल, सेल्फ कॉन्सेप्ट, इन तमाम चीज़ों का इन्फ्लुएंस होता है। सो किसी शख्स का ऑक्यूपेशन, उसका पेशा भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो वो चीज़ खरीदना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस पीपल, जो कारोबारी हजरात हैं, वो खरीदना चाहेंगे सूट को, जो बिजनेस सूट है या फॉर्मल सूट है उसको खरीदना चाहेंगे, जबकि जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं वो रफ क्लोथिंग बाय करना चाहेंगे। हर किसी के ऑक्यूपेशन से भी उसकी खरीदारी के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। एंड पीपल चेंज दी गुड्स एंड सर्विस ओवर द पीरियड ऑफ देयर लाइफ टाइम, यानी कि एक शख्स की जो लाइफ टाइम है उसके मुताबिक भी, उससे भी फर्क पड़ता है उसकी जो भी गुड सर्विस वो खरीदना चाह रहे हैं। एक शख्स जब बचपना था उस वक्त वो जिस तरह की चीज़ें खरीदना चाह रहा था, वो जवानी में ऐसी चीज़ें खरीदना नहीं चाहेगा, और इसी तरह फिर वो बुढ़ापे में भी। सो वक्त के साथ साथ लोगों की जो चॉइस है उसके अंदर फ़र्क आ जाता है। बचपने में जिस तरह का खाना, कपड़े और फर्नीचर चेंजेस चाहिए थी, वैसे ही जवानी में नहीं चाहिए, और फिर बुढ़ापे में और ज़्यादा। सो इन तमाम चीज़ों में चेंजेस आती रहती है वक्त के साथ साथ। सो एक और चीज़ है जिसका बहुत बड़ा मेजर रोल है कंज्यूमर की बाइंग पैटर्न में, वो है इकोनॉमिक सिचुएशन, माशी जो सूरत हाल होती है उसके ऊपर। सो मार्केटर्स को देखना चाहिए जो भी ट्रेंड हो, पर्सनल इनकम का, इंटरेस्ट रेट का, सेविंग का, इन तमाम चीज़ों का। लोग अपनी लाइफ स्टाइल के मुताबिक भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। सो नाउ दी पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी जो है वो क्या है, यूनिक साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स। एक यूनिक साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग करती है। हर शख्स की अपनी पर्सनैलिटी होती है। सो इट इज़ यूजली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि सोशल सोशेबिलिटी है, ऑनेस्टी है, ऑटोनॉमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एग्रेसिवनेस है, एंड ब्यूटी है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से भी कंज्यूमर की बाइंग चॉइस के ऊपर असर पड़ता है, जैसे कि जिसके अंदर मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव्स एंड एटीट्यूड शामिल है। सो लोगों की एक वक्त में कई सारी चीज़ों की ज़रूरियात हो सकती हैं। कुछ ज़रूरियात जो वो बायोलॉजिकल नीड हैं। सो मुख्तलिफ तरह की नीड्स मौजूद हैं, और इसी तरह से डिफरेंट नीड थ्योरी है। और आपको इस कोर्स के अंदर और इस लेसन के अंदर अब्राहम मेस्लो की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो कि एक नीड थ्योरी है, वो करवाई जा रही है। इसमें हायरार्की ऑफ नीड है, इसमें पांच तरह की नीड है, और मेस्लो के मुताबिक जब तक एक नीड पूरी नहीं होगी दूसरी नीड पूरी नहीं हो सकेगी। सो पहली नीड है फिजियोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी नीड, फिर सोशल नीड, फिर एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब देखते हैं नीड्स को। ये आपके सामने पिरामिड्स मौजूद है अब्राहम हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी का। सबसे पहली है फिजियोलॉजिकल नीड, जो कि बॉडीली नीड भी है, इंसान की बॉडी की ज़रूरियात। फूड है, वार्म्थ है, रेस्ट है, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर है सेफ्टी नीड्स। जब बेसिक नीड पूरी हो गई, बॉडी नीड पूरी हो गई, तो फिर ज़रूरत पड़ती है उसको सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, सेफ्टी की। उसके बाद आती है बिलोंगिंगनेस एंड दी लव नीड। इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसको ज़रूरत पड़ती है लोगों की, रिलेशनशिप्स की ज़रूरत पड़ती है, और साथ में फ्रेंड्स की भी उसको ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आती है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम से मुराद होता है नीड फॉर रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट की ज़रूरत। देन दी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तब अचीव होती है जब एक शख्स जो है वो पहुंच जाता है अपने फुल पोटेंशियल पर। नाउ दी परसेप्शन। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन का मतलब होता है द वे यू थिंक, वो तरीका जिस तरीके से आप सोचते हैं या समझते हैं किसी शख्स को या किसी चीज़ को। ये वो गिलास होता है जिसके जरिए आप दुनिया को देखते हैं। उसके बाद है सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन का क्या मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिसके जरिए सिलेक्ट किया जाता है कुछ इनपुट को और इग्नोर कर दिया जाता है दूसरों को। उसके बाद है सिलेक्टिव डिस्टोशन। एक ऐसी टर्म है जिसके जरिए रेफर किया जाता है एबिलिटी को, जिसके जरिए लोग जो है वो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को और वो उसको इंटरप्रेट करते हैं, रीइंटरप्रेट करते हैं इस तरीके से कि वो कंसिस्टेंट रहे लोगों के परसेप्शन के मुताबिक, बिलीव्स के मुताबिक, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक और फीलिंग्स के मुताबिक। उसके बाद आ जाती है सिलेक्टिव रिटेंशन। सिलेक्टिव रिटेंशन का मतलब ये होता है कि लोग जो है वो, जारी बात है, जनरली तमाम इंफॉर्मेशन को जो है वो याद नहीं रख सकते जो भी वो देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। सो लोग जो है वो याद रखते हैं गुड पॉइंट्स जो है वो एक ब्रांड के बारे में जो उनको वो फेवर करती है, और भूल जाते हैं गुड पॉइंट जो
कॉम्पिटिंग ब्रांड है उसके बारे में। सो परसेप्शन और लर्निंग के जरिए कंज्यूमर जो है वो अक्वायर करता है बिलीव्स और एटीट्यूड, विच इन टर्न्स इन्फ्लुएंस करता है उनकी परचेज बिहेवियर को। और बिलीव क्या है, एक डिस्क्रिप्टिव थॉट होती है जो कि एक पर्सन की होती है किसी चीज़ के बारे में। सो बिलीव जो है वो बेस कर सकता है ओपिनियन के ऊपर, फेथ के ऊपर, या फिर नॉलेज के ऊपर। और ये बिलीव जो है वो क्रिएट करते हैं ब्रांड इमेज जो है वो प्रोडक्ट की। सो नाउ दी फोर टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर, चार तरह के बाइंग बिहेवियर आपके सामने मौजूद हैं। पहला बाइंग बिहेवियर है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर के अंदर हाई इन्वॉल्वमेंट होती है और सिग्निफिकेंट डिफरेंट होता है ब्रांड्स के दरमियान। दूसरा है वराइटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर, जिसमें लो इन्वॉल्वमेंट होती है लेकिन सिग्निफिकेंट डिफरेंट होता है ब्रांड्स के दरमियान। तीसरा है डिसोनेंस बाइंग बिहेवियर, रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, जिसमें हाई इन्वॉल्वमेंट होती है लेकिन फ्यू डिफरेंस होते हैं ब्रांड्स के दरमियान। और चौथा है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट भी लो है और फ्यू डिफरेंस है ब्रांड्स के दरमियान। सो अब आपके सामने मौजूद है बायर डिसीजन प्रोसेस। इसके पांच स्टेजेस हैं। पहला है नीड रिकग्निशन, देन इंफॉर्मेशन सर्च, देन दी इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, देन दी परचेज डिसीजन, देन दी पोस्ट परचेज बिहेवियर। सो नीड रिकग्निशन क्या है, जब बायर जो है वो रिकग्नाइज करता है एक नीड को या प्रॉब्लम को। और उसके बाद आया था इन्फॉर्मेशन सर्च, जहाँ पर कंज्यूमर जो है वो क्या करता है, सर्च करता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के बारे में प्रोडक्ट की, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के बारे में, और इन्फॉर्मेशन गैदर करता है वो पर्सनल सोर्सेज से, कमर्शियल सोर्सेज से, एंड दी पब्लिक सोर्सेज, एंड दी एक्सपेरिमेंटल सोर्सेज। उसके बाद आता है अल्टरनेटिव इवेल्यूशन, जिसके अंदर कंज्यूमर इवेल्यूएट करता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ताकि वो चूज कर सके फाइनल प्रोडक्ट टू परचेज। और उसके बाद जो है वो कंज्यूमर क्या करता है, इवेल्यूशन करने के बाद वो चूज करता है एक प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, एंड मेक द एक्चुअल परचेज वो करता है। सो अब है आपके पास एडॉप्शन प्रोसेस। एडॉप्शन प्रोसेस एक मेंटल प्रोसेस होता है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो एक इनोवेशन के बारे में सीखता है, और सीखने से लेकर फाइनल एडॉप्शन तक इस पूरा प्रोसेस को हम एडॉप्शन प्रोसेस कहते हैं। इसके पांच स्टेजेस है, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवेल्यूशन, ट्रायल एंड एडॉप्शन। अवेयरनेस में क्या होता है कि कंज्यूमर जो है वो अवेयर हो जाता है एक नई प्रोडक्ट आई है उसके बारे में, लेकिन उसको बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है। इंटरेस्ट के अंदर कंज्यूमर हासिल करता है न्यू प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन। इवेल्यूशन में कंज्यूमर जो है वो ट्राई करता है न्यू प्रोडक्ट के, क्या न्यू प्रोडक्ट उसको बेनिफिट देगी। और फिर ट्रायल के अंदर जो है वो कंज्यूमर जो है वो बाय करता है प्रोडक्ट को जो है वो ट्राई करता है, एक्चुअली स्मॉल स्केल के ऊपर ट्राई करता है प्रोडक्ट को। और फिर आखिर में जो है वो कंज्यूमर जो है वो अडॉप्ट करता है, यानी कंज्यूमर डिसाइड करता है कि अब जो है उसने फुल और रेगुलर यूज करना है न्यू प्रोडक्ट का। सो कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्रोडक्ट की जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं न्यू प्रोडक्ट्स के अडॉप्शन रेट के ऊपर। पहली है रिलेटिव एडवांटेज। कंज्यूमर जो है वो क्विकली तौर पे नई प्रोडक्ट को अडॉप्ट करेगा अगर वो ये सोचता है कि नई प्रोडक्ट जो है वो सुपीरियर है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के मुकाबले में। अगर नई प्रोडक्ट पुरानी प्रोडक्ट के मुकाबले में बेहतर है, जो प्रोडक्ट पहले से मार्केट में मौजूद है, तो वो उसको तेज़ी से अडॉप्ट कर लेगा। जैसे माइक्रोवेव जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो स्टोव्स के मुकाबले में लोगों को वो काफ़ी अच्छा लगा, सो लोगों ने उसको तेज़ी से अडॉप्ट किया, स्टोव से मतलब चूल्हा। उसके बाद फिर कंपेटिबिलिटी का मतलब कितनी सूट करती है प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट फिट बैठती है वैल्यू और एक्सपीरियंस जो पोटेंशियल कस्टमर है उसके मुताबिक। उसके बाद है कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कितनी ज़्यादा मुश्किल है प्रोडक्ट को समझना। जितना ज़्यादा मुश्किल होगा तो जाहिर बात है अडॉप्शन रेट कम होगा, जितना ज़्यादा आसान होगा उतना ज़्यादा अडॉप्शन रेट ज़्यादा होगा। देन डिविजिबिलिटी, यानी कि प्रोडक्ट को ट्राई किया जा सकता है लिमिटेड बेसिस के ऊपर, कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट कस्टमर जो है वो जाहिर बात है ट्राई करना चाहेगा, पहले ट्राई करेगा फिर ही खरीदेगा। जैसे कि कार कोई नई आती है तो उसको ट्राई करना चाहेगा, उसके टेस्ट ड्राइव वगैरह लेना चाहेगा, अगर वो ट्राई कर लेगा तो फिर जो है जाहिर बात है वो खरीद सकेगा, वरना जाहिर बात है इतनी महंगी चीज़ कोई शख्स नहीं खरीदना चाहेगा। देन दी कम्युनिकेबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि किस हद तक एक नई प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को नोटिस किया जाता है और डिस्कस किया जाता है कंज्यूमर के दरमियान। जितना ज़्यादा डिस्कस और नोटिस किया जाएगा उतना ज़्यादा जो है वो नई प्रोडक्ट जो है वो तेज़ी से अडॉप्ट होगी। तो ये हुई थीम नंबर 5 कंप्लीट। नाउ द थीम नंबर 6, जो कि लास्ट थीम है आज की इस वीडियो की,
इसका टाइटल है बिजनेस मार्केट्स एंड बिजनेस बायर बिहेवियर। सो पहले आपको बताया गया था कंज्यूमर बायर बिहेवियर के बारे में, इस थीम के अंदर आपको बिजनेस मार्केट्स और बिजनेस बायर बिहेवियर के बारे में बताया जाएगा। बिजनेस मार्केट्स क्या होती हैं? सो बिजनेस मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर सेल किया जाता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दूसरे बिजनेस को, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को सेल करती है। इसको बी टू बी मार्केट भी कहा जाता है। यहाँ पे डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल नहीं किया जाता। इसकी एक कॉमन एग्जाम्पल और मॉडर्न एग्जाम्पल है अलीबाबा। अलीबाबा जो है वो एक होलसेल मार्केट है जो कि रिटेलर्स को सेल करता है प्रोडक्ट्स। वहाँ पे प्रोडक्ट्स होलसेल के अंदर अवेलेबल होती हैं, सिंगल यूनिट एक पीस वहाँ पे नहीं मिलता। और इसी तरह की दूसरी भी बहुत सी मार्केट्स होती हैं, तो तमाम मार्केट जो है वो बिजनेस मार्केट्स कहलाई जाती हैं। सो बिजनेस बायर बिहेवियर, सो बिजनेस बायर बिहेवियर क्या है? इसका मतलब होता है बाइंग बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि बाय करती है गुड्स सर्विस ताकि उसका इस्तेमाल कर सके प्रोडक्शन में दूसरी गुड्स और सर्विस के, जिनको सोल्ड किया जाता है, रेंट किया जाता है या सप्लाई किया जाता है दूसरों को। उसके बाद आता है बिजनेस बाइंग प्रोसेस। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयज जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसाइड करते हैं कौन सी प्रोडक्ट या सर्विस रिक्वायर्ड है और उसके बाद फिर वो उसको खरीदते हैं प्रोडक्ट को इवेल्युएट करते हुए, सिलेक्ट करते हुए बेस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस मार्केट, बिजनेस मार्केट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बिजनेस मार्केट डील करती है बहुत कम कस्टमर्स के साथ। इसमें बहुत कम कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर मार्केट में बहुत सारे होते हैं लेकिन यहाँ पे बहुत कम होते हैं। और ये ज्योग्राफिकली तौर पर कंसनट्रेटेड होती हैं कंज्यूमर मार्केट के मुकाबले में, जैसे कि फैसलाबाद जो एक रिनोन इंडस्ट्रियल सिटी है। और बिजनेस मार्केट की डिमांड डिपेंड करती है कंज्यूमर गुड्स के ऊपर। एंड बिजनेस मार्केट में क्या होता है कि सेलर एंड बायर की डिपेंडेंसी जो एक दूसरे के ऊपर बहुत स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू कंज्यूमर मार्केट। नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ बिजनेस बाइंग प्रोसेस। सो बिजनेस बाइंग प्रोसेस में क्या होता है कि बिजनेस परचेज के लिए बहुत एक प्रोफेशनलिज्म रिक्वायर्ड होती है। हर कोई नहीं खरीद सकता बिजनेस परचेज की अगर हम बात करें, और इसके अंदर डिसीशन जो है वो एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट के डिसीजन जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, कई सारे लोगों के डिसीजन रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसी वजह से कंपनीज जो है वो ऑफर करती हैं बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अपने एम्प्लॉय को ताकि वो ये समझ सके किस तरीके से इफेक्टिवली खरीदा जाता है। सो बहुत से कंपनीज ने बाइंग कमेटी भी बनाई होती है जिनके अंदर टॉप मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ और परचेज एक्सपर्ट्स वगैरह शामिल होते हैं। उनका एक ब्लेंड होता है, एक मिक्सचर होता है टॉप मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ और परचेज एक्सपर्ट्स का उन कमेटीज़ के अंदर। सो जैसे कि आपको बताया गया कि बिजनेस बायर जो है वो ज़्यादा फेस करते हैं कॉम्प्लेक्स डिसीजन एज कम्पेयर टू दी कंज्यूमर बायर, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्निकल, इकोनॉमिक और इसके अलावा बहुत सा पैसा भी इन्वॉल्व होता है इसमें। जारी बात है, चीज़ें जब खरीदी जाती है तो काफ़ी सारी स्पेंडिंग होती है। सो आपके सामने मॉडल है बिजनेस बायर बिहेवियर का। इसमें इन्वायरमेंट है, दरमियान में बाइंग ऑर्गेनाइजेशन है और उसके बाद फिर बायर रिस्पॉन्सेज है। सो मार्केटर्स जो है वो हासिल करते हैं आंसर इस क्वेश्चन का कि किस तरीके से बिजनेस बायर रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट मार्केटिंग स्टिमुलाई को। सो विद इन ऑर्गेनाइजेशन बाइंग एक्टिविटी के दो हिस्से हैं। फर्स्ट वन इज़ दी बाइंग सेंटर है जिसमें डिफरेंट एम्प्लॉई इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। और सेकेंड वन जो है वो बाइंग डिसीजन प्रोसेस है। बाइंग डिसीजन प्रोसेस और बाइंग सेंटर जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से, इंडिविजुअल, इंटरपर्सनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर। सो की इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस बाइंग बिहेवियर, वो कौन कौन से की इन्फ्लुएंसेस है बिजनेस बाइंग बिहेवियर पे? सो ये वो फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस बायर को जब वो कोई परचेज डिसीजन करते हैं। सो इसमें पहला है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो करंट और एक्सपेक्टेड जो इकोनॉमिक एनवायरमेंट है उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस डिसीजन मेकिंग पे, जैसे कि प्रोडक्ट डिमांड है, द करंट कंडीशन ऑफ इकोनॉमी है एंड फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल सप्लाई। अगर शॉर्टेज वगैरह आ जाती है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि कंपनी जो है वो सेव करती है ज़्यादा मटेरियल अपने वेयर हाउस में ताकि मिनिमाइज कर सके जो भी स्केसिटी है, शॉर्टेज है मटेरियल की उसको। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, एज वी नो डैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हम जानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना विजन, मिशन, प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज, प्रोसीजर और स्ट्रक्चर होता है। सो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मार्केटर्स की कि वो अंडरस्टैंड करें इन ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर को। सो कुछ कोर क्वेश्चन होते हैं जिनको मार्केटर्स एड्रेस करते हैं, जैसे कि हाउ मैनी पीपल इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन, कितने लोग इन डिसीजन में शामिल हैं और उनका रैंक क्या है, एंड हाउ डू वी डू द इवैल्यूएशन एंड व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द इंटरपर्सनल फैक्टर्स,
सो जैसे कि हमें मालूम है कि बिजनेस बाइंग प्रोसेस में बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में, सो इंटरपर्सनल फैक्टर का सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस होता है इस प्रोसेस के ऊपर। सो नाउ द इंडिविजुअल फैक्टर्स, सो हर मेंबर जो होता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि दूसरे से उसको अलग बनाती हैं। हर मेंबर के अपने गोल्स, परफॉर्मेंस और परसेप्शन होते हैं। नाउ द सिग्निफिकेंट टाइप्स ऑफ बाइंग सिचुएशन, यूजुअली एक बायर जो है वो तीन तरह की बाइंग सिचुएशन को फेस करता है, जैसे कि स्ट्रेट रीबाई, मॉडिफाइड रीबाई और न्यू टास्क। सो स्ट्रेट रीबाई क्या होती है? स्ट्रेट रीबाई एक ऐसी सिचुएशन होती है बाइंग सिचुएशन जहाँ पे कंपनी जो है वो रीऑर्डर करती है, दोबारा से ऑर्डर करती है सेम प्रोडक्ट को सेम क्वांटिटी में सेम सप्लायर से। उसके बाद आया थी फिर मॉडिफाइड रीबाई। अब मॉडिफाइड का नाम से ही पता चलता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस होती है। सो ये एक ऐसी बाइंग सिचुएशन होती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन बाई करती है वही चीज़ जो प्रीवियसली परचेज की गई थी, लेकिन इस बार क्या होता है कि या तो वो सप्लायर को चेंज करेगी या फिर कुछ दूसरे एलिमेंट्स को प्रीवियस ऑर्डर के उसको चेंज करेगी यहाँ पे, यानी कि कोई ना कोई चेंजेस की जाएगी, जबकि स्ट्रेट रीबाई में ऐसा नहीं था। और फिर तीसरी जो चीज़ है वो है न्यू टास्क। अब तीसरी सिचुएशन जो है उसके अंदर बायर जो है वो परचेज करता है प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम, पहली बार परचेज कर रहा होता है सप्लायर से। नाउ द पार्टिसिपेंट्स इन द बाइंग बिजनेस बाइंग प्रोसेस, इसके अंदर कौन कौन से पार्टिसिपेंट शामिल होते हैं? यूजर, ये वो लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो यूज करते हैं प्रोडक्ट या सर्विस को। इन्फ्लुएंसर, ये टेक्निकल लोग होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं परचेज डिसीजन को। बायर्स, इनके पास फॉर्मल अथॉरिटी होती है ऑर्डर प्लेस करने के लिए और सिलेक्ट करने की टर्म्स एंड कंडीशन फॉर परचेज। डिसाइडर, इनके पास पावर होती है या तो सिलेक्ट करें या रिजेक्ट करते हैं वेंडर को। और उसके अलावा गेट कीपर, ये कंट्रोल करते हैं जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन उसको। नाउ द बाइंग प्रोसेस ऑफ बिजनेस बायर, इसके 8 स्टेप हैं, लेकिन जो मॉडिफाइड या री बाय सॉरी स्ट्रेट स्ट्रेट या मॉडिफाइड री बाय होती है उसके अंदर कुछ स्टेप को बायर स्किप कर सकता है, उन स्टेप को मिस कर सकता है। जैसे कि अब आपके सामने स्टेप हैं प्रॉब्लम रिकग्निशन, जनरल डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, सप्लायर सर्च, प्रपोजल सोलिसाइटेशन, सप्लायर सिलेक्शन, ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यू। सो पहला स्टेप है प्रॉब्लम रिकग्निशन, एक एक करके देखते हैं इनको। इसमें क्या होता है कि बायर इनिशियली आइडेंटिफाई करता है एक प्रोडक्ट को या नीड को और वो रिक्वायर करता है प्रोडक्ट या सर्विस को। उसके बाद है जनरल नीड डिस्क्रिप्शन, ये स्टेज जो होता है बिजनेस बाइंग प्रोसेस में, इसमें बायर जो वो डिस्क्राइब करता है जनरल करेक्टरिस्टिक्स को और क्वान्टिटी को जो भी नीडेड आइटम होता है उसकी। उसके बाद प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, इसमें क्या होता है कि बायर जो है वो डिस्क्राइब करता है टेक्निकल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन को वैल्यू एनालिसिस टीम की मदद से। उसके बाद सप्लायर सर्च होता है, बायर जो है वो सर्च करता है अप्रोप्राइट सप्लायर को, एक ऐसा सप्लायर को जो कि सही सप्लायर होता है। फिर आता है प्रपोजल सोलिसाइटेशन, यहाँ पर सिर्फ जो एलिजिबल सप्लायर होते हैं वही सबमिट करते हैं प्रपोजल इस स्टेज में। उसके बाद आ जाता है सप्लायर सिलेक्शन। अब क्या होता है कि बायर जो वो रीड करता है तमाम प्रपोजल को और सिलेक्ट करता है जो भी बेस्ट सप्लायर होता है उसको। देन दी ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन, नाउ द बायर फाइनली प्रिपेयर करता है ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन विच इंक्लूड्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ऑर्डर क्वांटिटी, वारंटीज, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। सो ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन जो वो सप्लायर को सिलेक्ट करने के बाद होती है जिसमें बायर जो वो नेगोशिएट करता है फाइनल ऑर्डर, लिस्टिंग करता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, द क्वांटिटी नीडेड, देन द परफॉर्मेंस रिव्यू। अब ये लास्ट स्टेज होता है, यहाँ पर बायर जो वो डिसीजन इस बात का लेता है कि क्या कंटिन्यू करना है या फिर डिसकंटिन्यू करना है जो भी सप्लायर है उसके साथ, बेस्ड ऑन सप्लायर परफॉर्मेंस, सप्लायर की परफॉर्मेंस के ऊपर उसको सामने रखते हुए या तो उसके साथ कंटिन्यू करना है बिजनेस, उससे उसी से खरीदना है या नहीं खरीदना है ये उसकी परफॉर्मेंस देखते हुए। नाउ द इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स, इंस्टीट्यूशनल मार्केट बेस करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, जैसे कि स्कूल्स, रेलवे और एयरलाइन वगैरह है। गवर्नमेंट मार्केट्स, सो बहुत सी कंट्रीज में गवर्नमेंट जो है वो प्राइमरी बायर और सप्लायर होती है डिफरेंट आइटम की। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लार्ज या स्मॉल अपॉर्चुनिटीज दूसरी कंपनीज को। तो ये हुई थीम नंबर 6 कंप्लीट, जो कि लास्ट थीम थी आज की इस वीडियो की और मिड टर्म की भी लास्ट थीम है। आपको अगर इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मजीद वीडियोस देखने के लिए, शॉर्ट लेसन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।